और भाई साहब ये भाई निकल तेरी मैथ की यार, निकलो भाई। वेट सेकेंड भाई, वो क्या चीज है? अबे यार इतना बड़ा प्राणी। तुम्हारी पेटी के अंदर एक भयानक आत्मा है। कहते हैं जिंदगी हर कोई जीता है, लेकिन जिंदगी जीने का असली मजा तब आता है जब जिंदगी में कोई मकसद है। तो गाइस आज का जो मुद्दा है वो जिंदगी की किसी मकसद के ऊपर नहीं है, बल्कि इस गेम के मकसद के ऊपर है। तो गाइस आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने 3 से 4 एपिसोड इस गेम के ऊपर बना दिए, लेकिन अब तक हमारे पास कोई मकसद नहीं है। हम लोग ये सारे काम क्यों कर रहे हैं? हम लोग सीमोज क्यों बना रहे हैं? अपने घर को अपग्रेड क्यों कर रहे हैं? इतने सारे रिसोर्स क्यों जमा कर रहे हैं? उसके पीछे कोई ना कोई मकसद ज़रूर होना चाहिए। तो गाइस यही चीज़ मैं आप लोग को समझाना चाहता हूँ कि अगर इस गेम में हमें सर्वाइव करना है तो एक मकसद लेकर के जीना पड़ेगा। वैसे एक ही मकसद नहीं, बल्कि हमारे पास काफ़ी सारे मकसद होने चाहिए जीने के, नहीं तो यार हम लोग इस गेम को खेल ही क्यों रहे हैं। तो गाइस अब जो अपना मकसद है वो वहाँ जाने का है। मतलब यार काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, हम लोगों ने आज तक उस जहाज़ को देखा तक नहीं। वैसे दिख तो ऐसे भी जाता है, बट यार मैं आज तक वहाँ पर गया नहीं हूँ। तो गाइस मैं क्या सोच रहा हूँ कि क्यों ना वहाँ जाने की तैयारी की जाए। और गाइस देख के लग रहा है कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आग लग रहे हैं, उसके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा फायर एक्सटिंग्विशर चाहिए। तो क्या इधर मुझे ये देखना पड़ेगा कि फायर एक्सटिंग्विशर बनते कैसे। इसके लिए बस 3 टाइटेनियम चाहिए, उससे अपना काम हो जाएगा। एक मिनट, अपने पास यहाँ पर इन्वेंट्री में है क्या क्या? वैसे यार काफ़ी कुछ फालतू की चीज़ें पड़े हुए हैं, बट एनीवे हम लोग उसका कुछ ना कुछ यूज़ जरूर कर लेंगे। एक काम करते यार, अपने पास यहाँ पर ब्लैडर फिश पड़े हुए हैं, फटाफट से यार इसका पानी बना करके पी लेते, क्योंकि यार अभी पानी की थोड़ी बहुत कमी हो रही है। तो क्यों ना इसका पानी बना करके थोड़ी बहुत यहाँ पर पी लिया जाए। और वेट सेकेंड भाई, ये क्या है? एक मिनट, हेलो यार, सबनोटिका एक हॉरर गेम है? व्हाट यू आर, मतलब ये था क्या, कोई बताएगा मुझे? अचानक से यार मेरे सामने आ गया, मैं भी अपने लिए पानी बना रहा था, बट यार एनीवे यार किसी ने यार मुझे ये नहीं बताया कि इसमें यार भूत भी रहते हैं। यार मछलियों ने यार अलग ही जीना हराम कर रखा है, और ऊपर से यार इन्होंने यहाँ पर भूत भी पकड़ा दिया। ऑल राइट गाइस, अब अपने यहाँ पर स्टोरेज में यार कुछ खास चीज़ें तो है नहीं। तो गाइस यार मैं क्या सुन रहा हूँ, आप लोग को एक एक करके मैं प्लानिंग बताता हूँ। तो ठीक इस जगह पर अपना एक बेस होने वाला है, तो गाइस यार बेस के लिए मैंने यहीं वाली जगह डिसाइड की है, क्योंकि यार अगर मैं आप लोग को बताऊँ तो आई थिंक यार ये परफेक्ट प्लेस है बेस के लिए। और बेस हम लोग कैसे बना सकते हैं, वो मैंने हैबिटेट बिल्डर बनाया था, तो उससे ना गाइस हम लोग अपने बेस को डिज़ाइन कर सकते हैं। और वेट सेकंड भाई, हैबिटेट बिल्डर मैंने यहीं कहीं रखा था, ये रिपेयर टूल है, ये हैबिटेट बिल्डर है। ऑल राइट, इसे हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। और गाइस मैं क्या सोच रहा हूँ कि अपने लिए थोड़ी मोड़ी यहाँ पर छोटी सी सेटअप कर लो, ताकि यार हमें इन फ्यूचर किसी तरह के प्रॉब्लम नहीं आने चाहिए, क्योंकि यार जितने सारे सामान हैं वो मैंने जैसे तैसे करके यहाँ से वहाँ फालतू का रहते अपने पड़े हुए हैं। तो गाइस मैं क्या सोच रहा हूँ ना कि यहाँ पर थोड़ी सी बस अपने लिए एक छोटी सी सेटअप कर लो, और फिर ना गाइस हम लोग जितने सारे सामान लेंगे, तो गाइस आई थिंक यार बेस बनाने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट प्लेस है। वैसे यार वहाँ पर क्रीप वाइन है, जिससे यार मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, बट यार एनीवे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यार अगर वो बंदा है तो हम लोग यार उससे आसानी से निपट सकते हैं, बट यार मुझे प्रोपल्सन कैनन भी चाहिए। और हाँ यार ये भी जगह यार काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है। तो अभी ना कहते काम करते यार, हम लोग यहाँ पर क्या क्या बना सकते हैं वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। स्कैनर रूम बना सकते हैं, मल्टीपर्पज़ रूम बना सकते हैं। तो क्या सर अभी तक तो मल्टीपर्पज़ रूम की इंग्रेडिएंट अननोन है, तो मैं कह रहा हूँ फिलहाल के लिए यहाँ पर स्कैनर रूम बना लो और एक मून पूल बना लो। आई थिंक यार इससे इनका काम यहाँ पर हो जाएगा, और ये सारे कंपार्टमेंट वगैरह सब हम लोग बनाएंगे। और फाउंडेशन बनाने के लिए हमें लीड भी चाहिए, तो छोड़ यार फाउंडेशन वगैरह नहीं बनाते फिलहाल के लिए, नहीं बनाते हैं, इन फ्यूचर अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग आराम से इसे बैठ करके डिज़ाइन करेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर स्कैनर रूम बना रहा हूँ, और साथ ही साथ मून पूल बना रहा हूँ। मून पूल के लिए जो जो चीज़ चाहिए वो अपने पास प्यार से मिल जाएंगे, और इसे बनाने के लिए भी यहाँ पर जो जो चीज़ चाहिए वो भी अपने पास यहाँ पर प्यार से मिलने वाले, तो फटाफट से यार चलो बनाते हैं। ऑल राइट गाइस, फाइनली हम लोगों ने सारे सामान लेकर के यहाँ पर आ चुके हैं। और अब ना गाइस स्कैनर रूम में एक काम करता हूँ, यहाँ पर बना दो, हाँ यार यहाँ पर बनाते हैं। और भाई साहब पहली बार मैं इस गेम में कुछ कंस्ट्रक्ट करने के लिए जा रहा हूँ। ऑल राइट यार हम लोगों का स्कैनर रूम यहाँ पर तैयार हो चुका है, और एक मुझे मून पूल भी चाहिए। ऑल राइट, हम लोगों ने यहाँ पर स्कैनर रूम तो बना लिया है, और माइनस वन यार कुछ लिखा हुआ था, पता नहीं यार जो भी था अपना यार कुछ माइनस हो रहा है। यार किसी ने बताया नहीं कि हमारे इसमें कुछ माइनस भी होता है। यार पता चला कि यार हम लोगों ने यहाँ पर कुछ ना कुछ बना दिया, और खामे का कि भाई यहाँ पर ओके, तो यहाँ पर अपना कंपार्टमेंट भी बन सकता है। यहाँ पर बना दो क्या? एक मिनट, क्या वो उससे कनेक्ट होंगे? यार वेट सेकंड भाई, ये तो भाई से कनेक्ट ही नहीं हो रहे हैं। यार कनेक्ट तो हुए नहीं, फिर यार इसे बनाने का कोई फ़ायदा है नहीं। मैं काम करता भाई, इसे डीकंस्ट्रक्ट करो, ऐसे यार काम नहीं करना है। मैं सुना पूरी कनेक्शन के साथ यहाँ पर हर एक चीज़ें बनाऊँ,
जब लोग यार बना ही रहे हैं तो तमीज में बनाते हैं ना, क्या दिक्कत है। और गाइस यार इसकी लाइट यार काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है, काम करते हैं इसके अंदर चल करके इसकी लाइट को ऑफ कर देते हैं और बाहर कैसे निकलो, ई से। ऑलराइट। और भाई हम लोगों ने स्कैनर रूम यहाँ पर बनाया था, ठीक है यार इसे एक बार देखना पड़ेगा कि हम लोग इसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर कनेक्शन के लिए कोई जगह होगी तो काफ़ी ज़्यादा सही हो जाएगा, बट यार मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कनेक्शन के लिए कुछ चीज़ें हैं अभी। एक काम करते हैं यार, हैबिटेट बिल्डर में अपना निकाल लेता हूँ। अब मैं इसे कनेक्ट करने की, यार मैं कहीं से भी कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ बट यार ये कनेक्ट हो ही नहीं रहे हैं। फिर से यार ये तो समस्या वाली बात हो जाएगी, हम लोग यार इसके अंदर जाएंगे कैसे? क्या मैं नीचे से जा सकता हूँ? नहीं यार नीचे से भी हम लोग नहीं जा सकते हैं। तो क्या इधर अभी थोड़ा सा पंगा ये हो गया कि अगर मैं आप लोग को बताऊँ ना, एक मिनट मैं आप लोग को अभी एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे सबसे पहले मुझे स्कैनर को डीकंस्ट्रक्ट कर लेने दो, क्योंकि यार काफ़ी ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो रही है। जैसे मैंने यहाँ पर ये कंपार्टमेंट बना दिए हैं और इसके अंदर हम लोग जा भी सकते हैं, बट यार अगर मैं आप लोग को बताऊँ, वैसे यहाँ पर वार्निंग आ रहा है और पावर अभी है नहीं, तो ठीक है यार कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम लोग पावर का भी यहाँ पर कुछ कर देंगे। तो क्या इधर यहाँ पर दिक्कत वाली बात ये हो रही है कि जब मैं यहाँ पर अपने स्कैनर रूम को लगा रहा हूँ, वेट अ सेकेंड, यहाँ पर मुझे स्कैनर रूम निकाल लेने दो। तो क्या इधर ये पता नहीं यार किस वजह से ये इनसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे, तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि यार क्या हो रहा है। मैं तो यार यहाँ पर बनाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ और पिछले आधे घंटे से भाई मेरा टाइम इसी में वेस्ट हुआ है। तो अगर आप लोग को पता है तो आप लोग मुझे कमेंट जरूर बताना। वैसे यहाँ पर अभी जाकर के ये कनेक्ट तो हो पा रहे हैं, बट यार अभी भी माला पानी यहाँ पर रेड हो रखा है, बट यार आई डोंट नो ये कनेक्ट क्यों नहीं हो पा रहे, क्योंकि यार काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग गई सामान वगैरह सब लाने में। फिर यार एक काम करते यार, तो अभी तो यार इनका काम यहाँ पर कुछ है नहीं, तो अभी काम करते हैं। आप लोग यार मुझे कमेंट में बताना, बाकी यार मैं ऑफलाइन देख लूँगा कि उसमें यार क्या दिक्कतें आ रही थी। तो अभी ना कहते काम करते हैं, यहाँ पर एक रेडियो में मैसेज आ रहा है, फटाफट से इसे यहाँ पर बजा देते हैं, पर देखते हैं कि भाई यहाँ पर क्या चक्कर है। तो क्या इधर यहाँ पर लाइव पोर्ट 6 के बारे में बताया जा रहा है और इनकी एक बस इमेज दी गई है, इसकी लोकेशन तो नहीं बस एक इमेज दी गई है। और अगर देखा जाए तो भाई ये जगह मुझे यार कोई आइडिया नहीं है ये कहाँ पर होने वाली है। 400 मीटर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट ऑफ लाइव पोर्ट फोर्थ लास्ट नोन लोकेशन। तो क्या इधर बताया जा रहा है कि ये नॉर्थ वेस्ट है, बट यार मैं डायरेक्शन कैसे पता लगाऊंगा? एक मिनट, अपने पास कुछ तो होगा यहाँ पर डायरेक्शन पता करने के लिए, लेट मी नो। तो क्या इधर है तो एक मैग्नेटिक कंपास, इसका मतलब अगर हम लोगों ने इसे बना लिया फिर यार, एक मिनट अपने पास सिल्वर तो होने चाहिए, वायरिंग किट अपना यहाँ पर बन जाएगा। फटाफट से यार सिल्वर की एक वायरिंग किट बना लेते हैं और उसके बाद मुझे कॉपर वायर भी चाहिए। कॉपर वायर के लिए अपने पास दो कॉपर होने चाहिए, वैसे अपने पास दो कॉपर पड़े हुए हैं। स्कैनर रूम तो बन ही नहीं, बट यार कम से कम अपनी यहीं बन जाए तो काफ़ी ज़्यादा सही बात रहेगी। तो फटाफट से एक वायरिंग कंपास बना लेते हैं, वायरिंग किट बना लेते हैं और एक कॉपर वायर बना लेते हैं। और यहाँ पर मैं मैग्नेटिक कंपास बनाना शुरू कर देता हूँ। तो गाइज़र अपने मैग्नेटिक कंपास यहाँ पर रेडी हो चुकी है, और वेट अ सेकेंड, इसका मतलब हम लोग इसे ऐसे हाथ में लिए घूम सकते हैं, ठीक है यार। और एक और चीज़ें यहाँ पर लगने वाले जो कि अभी तक अननोन है, बट यार इतने सारे सामान का अभी मैं काम करता हूँ, नीचे जो चेस्ट पड़ी हुई है वहाँ पर मैं रखवा देता हूँ। और इस हैबिटेट बिल्डर को मैं यहाँ पर फिलहाल के लिए रखवा देता हूँ। और आई डोंट थिंक कि अपने पास कोई भी फालतू के सामान यहाँ पर पड़े हुए हैं। सबसे पहले काम करते हैं, स्कैनर को यहाँ पर इक्विप कर लेते हैं। और गाइस यार आप लोगों ने कहा था कि हम लोग सी मौत के स्टोरेज को बढ़ा देते हैं, वैसे यार इसकी स्टोरेज यहाँ पर मुझे कहीं दिख तो नहीं रही है। वेट सेकंड भाई, मुझे यहाँ पर चेकआउट करने दो, यहाँ पर तो इसके स्टोरेज है नहीं। यहाँ पर इंटर अपग्रेड, ऑल राइट, एक मिनट, एक्सेस अपग्रेड यहाँ पर लिखा रहा था, एक्सेस अपग्रेड। अच्छा तो ये इसकी अपग्रेड है, मतलब यहाँ पर चार चार अपग्रेड मिलने वाले, ठीक है। तो वो भी कहाँ मिलेंगे वो भी मुझे नहीं पता है, बट यार फिलहाल तो मेरे पास कोई भी अपग्रेड नहीं है। और एक मिनट यार मैं इसकी स्टोरेज यहाँ पर ढूंढ रहा हूँ, ये तो भाई डायरेक्ट हम लोग इसके अंदर बैठ जाएंगे। खैर छोड़ो यार, एक काम करते हैं यहाँ पर मैं चलता हूँ, और एक मिनट। तो ठीक है यार इसके अंदर हम लोग यहाँ पर बैठ चुके हैं, और अभी ना गाइस मुझे कहाँ जाना है वो मैं आप लोग को बताता हूँ। मुझे लाइव पोर्ट 6 पर जाना है, और वो हम लोग कैसे जाने वाले हैं वो भी मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले ना गाइस आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमें कैसे कैसे जाना है। तो लाइव पोर्ट 6 जाने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, लाइव पोर्ट 4 जो है वहाँ सबसे पहले जाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मुझे लाइव पोर्ट 4 तो वैसे नज़र नहीं आ रहे हैं, बट यार एनीवे आई थिंक यार अगर हम लोग अरोरा की तरफ चलेंगे तब यार हमें मिल जाने वाले हैं। तो ठीक है यार चलते हैं, और सबसे पहले ये देख लो कि अरोरा है कहाँ पर। तो क्या इधर वो रहा अरोरा अपना। तो अब ना कहते काम करते हैं, लाइट जला लेते हैं। वेट सेकंड, ये अपनी लाइट जली हुई थी, बट यार मुझे तो लग नहीं रहा कि यहाँ पर अपनी लाइट भी जली हुई है। और भाई साहब हम लोग निकल चुके हैं अपने सी मौत को ले करके, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही है। रेडिएशन डिटेक्टेड, व्हाट द हेल, एक मिनट यार, बैक कर, बैक कर।
यार निकलो यार यहाँ से, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो जाएगी इसे में। यार अपने पास रेडिएशन सूट थी, एक मिनट यार, मैंने इसे इक्विप नहीं कर रखा था। ठीक है यार, ऑल राइट, हम लोगों ने यहाँ पर इक्विप तो कर लिया। और एक सेकेंड यार, लास्ट टाइम मुझे इतना पता है कि हम लोग जब लाइव पोर्ट 6 पर जा रहे थे तो फिर यार वो अरोड़ा के साइड पर नहीं थे, मुझे यार रास्ते में ही कहीं दिख गए थे। बट यार आई डोंट नो मुझे कहाँ मिले थे, एक बार मुझे दोबारा से इसकी लोकेशन देखनी पड़ेगी। ऑल राइट गाइस, अभी हम लोग पूरी तरीके से यहाँ पर रेडी हो चुके हैं, एक बार इनकी मैं नोट्स देख लेता हूँ। तो गाइस यार इसमें बताया जा रहा है कि ऐसे लंबे लंबे से ग्रास मुझे मिलने वाले हैं और वहाँ पर ये मुझे मिल जाएंगे, तो ठीक है यार। और इसके बारे में एक और चीज़ ये बताई जा रही है कि ये 400 मीटर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट लाइफ पोर्ट, यार मुझे फोर्ड मिले तब ना, लाइफ पोर्ट फोर्ड के आसपास है। बट यार फोर्ड की भी तो लोकेशन अपने पास है नहीं, यहाँ पर आप लोग देख लो 3 की लोकेशन है, 17 की लोकेशन है, 19 की लोकेशन है, तो थोड़ा सा यहाँ पर डिफ़िकल्ट हो सकता है, या फिर मैं कोई बेवकूफ़ी कर रहा हूँ। और मैं अभी सी ब्रोजर वाले हेलमेट को खोल दिया। और वेट सेकेंड, मुझे यहाँ पर ये देखना पड़ेगा क्या मैं अरोरा की तरफ हूँ भी। और भाई साहब काफ़ी ज़्यादा शानदार, एक मिनट मुझे ये देखना पड़ेगा कि मैं सबसे पहले अरोरा की तरफ घुमा हुआ हूँ या फिर नहीं। वो तो क्या यार, इधर तो अरोड़ा मुझे मिला नहीं, बट हाँ यार वो मिल गया अरोड़ा। तो हम लोग एक काम करते हैं यार, अगर वो लाइव पोर्ट मुझे मिलेगी तो ठीक है, अगर ना मिले, वेट सेकेंड भाई मैं किसी से टकरा गया था। ठीक है यार, और एक मिनट, क्या मैंने रिपेयर टूल यहाँ पर लिया या फिर नहीं लिया? यार मैंने रिपेयर टूल नहीं लिया, फटाफट से रिपेयर टूल लेकर के आते हैं, क्योंकि यार अगर अपनी बाइक यहाँ पर ख़राब हुई तो उसको रिपेयर टूल से ही हम लोग ठीक कर सकते हैं। मतलब देख रहे हो भाई, काफ़ी ज़्यादा कीमती चीज़ हम लोग यहाँ पर मिस करके जा रहे थे। फटाफट से एक काम करते हैं यार, ये तो अपने हैबिटेट बिल्डर है, रिपेयर टूल उठा लेते हैं। और इसे किसकी जगह पर रखें? वैसे एक सेकेंड, मुझे नहीं लगता कि इसकी यहाँ पर ज़रूरत होने वाली है, इसे काम करते हैं 2 नंबर पर सेट कर देते हैं। ठीक है यार, अब कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, फटाफट से हम लोग चलते हैं अपने सीमोत के पास। वैसे सीमोत मैंने कहाँ रख दिए थे? ऑल राइट गाइस, अपना सीमोत अपना ये रहा। और एक काम करते हैं यार, ये थोड़ा सा यहाँ पर डैमेज हो गया था, इसे लगे यार मुझे इसे बैठने नहीं थे, इसे रिपेयर करने थे। मतलब देख रहे हो भाई, मतलब कैसे किसी दिक्कत है आ रही है, इसकी पावर भी यहाँ पर अच्छी खाती है। फटाफट से यहाँ पर रिपेयर कर, वैसे यार रिपेयर की कोई ज़रूरत है नहीं यार, अपना डैमेज ही नहीं है तो फिर यार मैं रिपेयर क्यों ही करूँगा। और यहाँ पर देख रहे हो भाई, मैंने ग्रेव ट्रैप जो लगा रखा है वो यहाँ पर सही सही काम कर रहा है। और वो क्या चीज़ है भाई यार, वो जो गंदे वाले ऑक्टोपस होते हैं वो रहे। और अभी ना गाइस, जब अपने पास यहाँ पर सीमोत है और हम लोग इसके अंदर से ऑक्सीजन ले सकते हैं, तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर डीप में चलने वाले हैं। और एक शानदार जगह हमें यहाँ पर मिल चुकी है भाई साहब। वेट सेकेंड भाई, यहाँ पर एक गंदा प्राणी घूम रहा है, क्या करूँ यार, जाओ या फिर छोड़ दो यार। अगर मैं उसे डिस्ट्रैक्ट, यार मैं उसे डिस्ट्रैक्ट भी कैसे करूँ? एक काम करते यार चलते हैं, और किस तरह की दिक्कत नहीं यार, मैं इसे थोड़ा सोच रहा हूँ नज़दीक में इसे लगा दूँ। वैसे जब तक मैं इसके अंदर हूँ तब तक शायद से वो मुझे यहाँ पर नहीं देख पाएगा। ऑल राइट गाइस, एक मिनट आई थिंक यार, एक मिनट वेट अ सेकेंड भाई, मुझे ये चेकआउट करने दो यार। यहीं तो वो ग्रास है जो कि अभी मुझे यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, तो फटाफट यार उतरो ना यार। और भाई साहब ये भाई निकल, तेरी मैथ की यार निकलो भाई, एक मिनट भाई, मुझे ये लेने दो अपने हाथ में। हाँ यार ये तो रहा यार, मुझे इसे छोड़ने नहीं थे, फटाफट से यार पिकअप करो, तेरी बैस के से यार इक्विप करो। यार गन नहीं है भाई, मतलब मैं भागू तो भागू किधर, और इसकी यार बैटरी भी यहाँ पर ख़त्म होने वाली है। एक काम करते यार चलते यार, यहीं पर आई थिंक यार हम लोग सेफ रहने वाले हैं। अगर वो गंदा पुराने, एक मिनट सबसे पहले मैं लाइफ पोर्ट देख लूँ। वैसे ये सारी चीज़ें क्या है भाई? यार अगर इसने बदतमीजी की ना यार, मैं भाई इसके चपेट मारने वाला हूँ। इसे स्कैन करने के लिए, हाँ यार स्कैन तो करने के लिए आया जा रहा है, फटाफट से यार स्कैन करने के। सी मोथ भाई साहब, मुझे सी मोथ के फ्रेगमेंट अभी मिल रहे हैं, हद करते हो यार, जब मैं चाह रहा था उस समय तो यार मुझे मिले नहीं, और अभी यार ये लोग सी मोथ के फ्रेगमेंट दे रहे हैं। बट यार मैं लाइव पोर्ट ढूंढ रहा, मुझे पता है तू यार फालतू की आवाज़ें करेगा, तेरे से भाई मैं नहीं डरने वाला। यहाँ पर यार कुछ स्कैन करने के लिए मिल जाए तो काफ़ी ज़्यादा मेहरबानी होगी। वेट सेकंड, ये क्या है भाई? सीमोत फ्रेगमेंट भाई, अभी देख रहे हो भाई, जब जौड़ी ने तब यार ये लोग भड़बड़ के दे रहे हैं, और अपनी सीमोत तो वहाँ पर पड़ी हुई है। खैर यार कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीमोत को कुछ भी नहीं होने वाला है। ये क्या है? बायो रिएक्टर भी अपने पास। भाई साहब नहीं इधर नहीं। बट यार मुझे वो लाइव पोर्ट नहीं मिले, वेट सेकंड भाई, ऑल राइट अपने उससे यहाँ पर भर चुकी है। यार यहाँ पर मुझे लाइव पोर्ट तो दिखे ना है भाई, वैसे अभी ये काटेगा क्या? नहीं यार अभी इसको भाई हम लोग लगता है इसके अंदर नहीं दिख पा रहे। ठीक है यार, आराम से हम लोग यहाँ पर काम लेने वाले हैं। आई थिंक यार अगर हम लोग को इस ग्रास के बारे में बताया जा रहा था, वो लाइव पोर्ट भी यहीं कहीं होनी चाहिए। मैं थोड़ी सी यहाँ पर, यार तुम्हें यहीं पर आकर के भिड़ना होता है,
कहीं दूर जा करके मरो। और एक और चीज़ें मुझे यहाँ पर मिल गई है, क्या करूँ उतरूँ, कोई खतरा तो नहीं है। वेट सेकेंड भाई, और गाइस लुक एट देयर, मुझे क्या मिला है। आई होप कि ये वो लाइपोर्ट होनी चाहिए, लाइपोर्ट आई मीन 6। ऑल राइट, ये लाइपोर्ट 6 ही है। तो क्या करूँ यार, उतरो, यहाँ पर कोई खतरा तो नहीं है। ठीक है यार, उतरते हैं। वार्निंग पासिंग 100, पता है यार, मतलब मेरे को भाई मत सिखा। पीडीए मिल चुका है भाई, फटाफट से भाई पीडीए उठा ले। ये लो भाई, हम लोगों ने पीडीए उठा लिया। और ये क्या है भाई, इसे भी उठा लो। लीड मिल चुका है, ऑल राइट। और कुछ भाई स्कैन वस्कैन करने के लिए भाई तुम लोग नहीं दोगे यार? इसे भिखारी बना करके तो यार मत घुमाया करो, कुछ यार स्कैन करने के लिए दे दिया करो। लाइपोर्ट तो वैसे मिल चुकी है। और हाँ यार, मुझे वहाँ भी तो जाने थे, वो जो अपने को दिखी थी। एक सेकंड, मैं किसकी बात करूँ, अभी आप लोग को क्लियर हो जाएगा। एक बार मैं इसके अंदर चलता हूँ, और वो जो स्ट्रक्चर से मुझे मिले थे, मैं यहाँ पर भी चलना चाहता हूँ। यहाँ पर भी अगर काम की चीज़ें मुझे मिल जाएगी तो काफ़ी ज़्यादा सही सीन होगा। फटाफट से यार एक बार चल करके यहाँ से कुछ देख लेते हैं। और भाई साहब ये क्या है भाई, ये तो आई थिंक यार, वेट सेकंड भाई, यार कितनी गंदे गंदे आवाज़ें क्यों निकालते हो तुम लोग यार? देख रहे हो भाई, बेशरम कहीं का यहीं पर घूम रहा है। खैर मैं उसके मुंह नहीं लगना चाहता हूँ। इसके अंदर नहीं यार, इसके अंदर भी कुछ नहीं है यार। भाई इतने बड़े जगह में कुछ तो भाई ढंग का दे दे। यहाँ पर भी भाई कुछ भी नहीं है। ये क्या है भाई, गड्डी को स्कैन कर सकता हूँ? नहीं यार, गड्डी को भी खामा ही खा के भाई। हाँ यार, इसे मैं स्कैन कर सकता हूँ, फटाफट से यार स्कैन कर लो। बार टेबल, ओके, तुम लोग यहाँ पर बार बनाने वाले हैं। बार तो वैसे बनाएंगे नहीं, बस इस पार्टिकुलर टेबल को बार टेबल कहे जाते हैं। वेट सेकंड, मैं स्कैनर हाथ में लेकर के चलता हूँ, कहीं वो अगर गंदा पड़ानी मुझे दिखेगा। यार टाइटेनियम यार दुनिया भर के मिल रहे हैं, टाइटेनियम यार मुझे चाहिए भी तो नहीं। सॉल्ट उठा लो यार, कुछ बढ़िया दे दो यार तुम लोग, क्यों डुला रहे हो? इसके अंदर स्कैनर रूम प्रेग्नेंट, यार ये तो है मेरे पास में, पता था यार मुझे टाइटेनियम ही मिलने वाला है। और यार वो किसी काम के भी नहीं है, क्योंकि एक मिनट भाई, अपना सीमोत किधर गया भाई? अपना सीमोत कहाँ गया यार? ऐसे में तो भाई मारा जाऊँगा मैं। ऑल राइट गाइस, हम लोग यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, और एक प्यारी सी डाइव यहाँ पर मार लेते हैं। ठीक है यार, वेट अ सेकंड, मैं थोड़ी सी ऑक्सीजन यहाँ पर बढ़ लेता हूँ। यार अहम वक्त पे यार ये सीमोत दिखता भी ना है भाई। वैसे सीमोत तो यहाँ पर है, एक काम करो यार इसे रिपेयर कर लो, क्योंकि यार थोड़ी सी मुझे दिख रही थी कि ये डैमेज हो चुकी थी। ठीक है यार, रिपेयर कर लेते हैं। यार देख रहे हो भाई, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा था कि यार जो बैठना नहीं होता है, इसे रिपेयर करना होता है। कोई मुझे बताया कि मैंने इसे रिपेयर किया या फिर नहीं किया? वैसे हाँ यार, ये डैमेज भी तो यार, इसकी बैटरी ख़त्म हुई थी, मैं सोच रहा था कि इसे रिपेयर करना है। ठीक है यार, मुझे अभी नहीं लगता कि अपने काम की चीज़ें मुझे यहाँ पर मिलने वाली है। ऑल राइट गाइस, हम लोग चलते हैं। पॉड में तो नहीं चलने वाला, एक काम करता हूँ यार, अरोड़ा से मिल करके आते हैं, थोड़ा देखते हैं कि भाई वहाँ पर भी क्या चक्कर है। लेकिन उससे पहले क्या किया जाता है आप लोग को पता है, समझदार लोग ऐसा करते हैं, उससे पहले सेव किया जाता है। ऑल राइट, मैंने यहाँ पर सेव कर लिया है। तो क्या इधर, क्या हम लोग अरोड़ा की तरफ है? बिल्कुल हम लोग अरोड़ा की तरफ ही हैं। मतलब देख रहे हो भाई कितना ज़्यादा शानदार स्विप मुझे यहाँ पर मिला है। और यहाँ पर एक काम करते हो यार, लाइट अपनी जली हुई है, पता भी नहीं चल रहे हैं। ठीक है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऑफ करके ही चलते हैं। वैसे यार पता तो चल रहा है नहीं, खामे खा के भाई अपनी बैटरी यहाँ पर खींचेगा। यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें मुझे दिखे तो है भाई, क्या है भाई? एक मिनट, एक बार, एक सेकंड यार, मुझे कुछ नई चीज़ें मुझे मिली है, थोड़ा एक बार इसे भी यहाँ पर चेकआउट करते हैं। प्रोपल्सन कैनन, ऑल राइट, प्रोपल्सन कैनन की शायद से मुझे ब्लूप्रिंट मिल चुकी है। आई थिंक यार ये वाला लास्ट था। और ये क्या चीज़ है भाई, ये तो भाई अपना गंदीला सा टाइटेनियम है, अगर ये डायमंड हुए तो यार काफ़ी ज़्यादा सही होगा। पिकअप यार क्वाद मिल रहा है, मुझे डायमंड की ज़रूरत है। तुम लोग यार बात को समझा करो, अगर डायमंड है तो बताओ, फालतू की चीज़ें मत दिया करो, या फिर यार उसकी लुक थोड़ी सी बदल करके अलग रख दो। और भाई अब ये गंदे कीड़े से मुझे डरने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि यार अभी हमारा क्या ही करेंगे। वेट ए सेकेंड भाई, इतना भाई चिल्ला कौन रहा है? बट यार इसके अंदर मैं एंटर कैसे करूँगा? आई थिंक यार इसके अपोजिट साइड से इसकी एंट्री होने वाली है। वेट ए सेकेंड भाई, वो क्या चीज़ है? अबे यार इतना बड़ा प्राणी यार, वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा प्राणी। काम करते यार इसके अंदर यहाँ पर छुप जाते हैं यार। ये भूकंप वूकंप, अबे यार यार दुनिया भर की दिक्कत है यार, तुम लोग आज ही दे दो।
हम लोग अरोड़ा के अंदर है और राइट गाइस हम लोग यहाँ पर अरोड़ा के अंदर है। बट एक मिनट, मुझे तो यार इसके ऊपर जाने का, हाँ ऊपर जाने के लिए मुझे रास्ता तो यहाँ पर दिखा है। एक काम करते हैं, थोड़ी सी यहाँ पर बाहर निकल करके चलते हैं। बट यार ये भूकंप, यार मुझे कुछ गलत सीन लग रहा है भाई। वेट अ सेकंड यार, यहाँ पर कुछ तो गलत गलत आइटम है भाई साहब। इतने गलत गलत आइटम छोड़ो यार, इसे इग्नोर करो, जस्ट इग्नोर देम। ऑल राइट, अबे यार ये लोग भाई काटेंगे भाई, मेरे को पता है ये लोग काटेंगे। रास्ते तो ये रहे, बट यार इसके अंदर कैसे जाऊँ। और यार ये भूकंप भी, यार बदतमीजी नहीं, मैं भाई किस तरह जंप कर करके आगे बढ़ रहा हूँ। यार इतने सारे भूकंप यार मेरे को तुम लोग यार क्यों दे रहे हो। सी यार वो तो मेरे पास नहीं है फूड, यार फूड का यार पंगा हो गया यहाँ पर। थोड़ा सा मैं और भी एक्सप्लोर कर लेता हूँ, फिर यार हम लोग घर पे आराम से चल करके फूड खाने वाले हैं। सी पर स्ट्रक्चर पता नहीं यार क्या, किस किस चीज़ की वार्निंग आ रही, मैं तो भाई सीधे भाग रहा हूँ। और यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर मैं चाहता था, नहीं यार आई थिंक यार हम लोग इधर से एक्सेस नहीं, यार इधर से एक्सेस नहीं कर सकते हैं। बट यार देख रहे हो भाई कितना ज़्यादा खतरनाक सेप है भाई साहब। बट यार मैं इसके अंदर कैसे जाऊँगा, वो रास्ता तो यार मुझे मिल नहीं रहा है। और ये भाई भूकंप भी अलग ही परेशान कर रहे हैं। क्या इधर के साइड से? ऑल राइट मुझे एक रास्ता तो दिखा है वैसे। हाँ इधर के साइड से अगर मैं चाहूँ तो जा सकता हूँ। बट यार यार मैं भाई जल भी रहा हूँ इसके चपेट में। ऑल राइट गाइस, मैं एक नई लोकेशन पर पहुँच आया हूँ और यहाँ पर भाई कुछ तो पड़ा हुआ है, इसे ले लेते हैं। मेडिकिट मिली, वैसे मेडिकिट अभी लगाने की ज़रूरत है? नहीं यार अभी तो नहीं है फिलहाल। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से आग लग हुई है, मुझे ना कहते काम करना पड़ेगा। मैं बस अपनी प्यारी सी सिप से मिलने आया हूँ कि मतलब यार मुझे बस बेसिकली इनके हाल समाचार पूछने थे। और वेट सेकंड भाई, मैं जाऊँ किधर से? तो क्या सर मैं क्या बोला था, मैं बस अपनी प्यारी सी सिप से मिलने आया था, उनके हाल समाचार पूछने आया था, ये पूछने आया था कि इन्होंने खाना खाया या फिर नहीं खाया। बाकी यार मुझे, यार ये लोग भाई काट भी तो रहे हैं जब ही। अबे यार ठीक है यार, ऑल राइट मुझे यहाँ से रास्ता मिल चुका। मैंने कहा अब क्या करूँगा, अपने सीधे सी मौत पर बैठ करके सीधे यहाँ से निकलने वाला हूँ। मुझे यार इनसे अब मिलना ही नहीं है, बहुत मिलना जुलना हो गया। स्वागत तो यार इन्होंने ऐसे किया जैसे कि यार क्या ही बोलो, खैर छोड़ो। और मैंने अपने सी मौत को कहाँ लगा कर रखा था, उसकी लोकेशन तो वैसे ऑन है। बट यार एनीवे रास्ता इधर से ही है, तो फिर हम लोग इधर से ही जाने वाले हैं। बट यार काफ़ी कुछ कहो यार, मज़ा तो ज़रूर आ रहा है, थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है, बट यार ये डर होना चाहिए। और हाँ यार आप लोग मुझे कमेंट में ये बताना। ऑल राइट गाइस, एक मिनट मुझे यहाँ पर एक लूट करेट मिली है, इसके अंदर भाई पानी है, भाई पानी पियो इसके। तो यार मुझे यार फेंकने नहीं थे यार इन्हें, इसे यहाँ पर कंज्यूम करने थे। ऑल राइट यार पानी मैंने पी लिया है। अरे यार वैसे यार मेरे पास मेडिकेट पड़े हुए, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बार बार इनसे मार खाते रहूँगा। खैर एक काम करते हैं, यहाँ से निकलते हैं, सीधे चलते हैं घर में, और उसके बाद ना कहते हैं पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर आएंगे। बस ये पता चल गया ना कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें चाहिए। यार ये भूकंपे भूकंपे दे करके यार तुम लोग मुझे, यार बैठना नहीं होता है अमृत, बैठना नहीं होता है, ये भी ना बात, मतलब यार इसे रिपेयर किया जाता है। यार मैं खामे का के भाई यहाँ पर क्लिक करके बैठ जा रहा था, मतलब राइट क्लिक की जगह मैं यहाँ पर लेफ्ट क्लिक कर दे रहा था। भाई साहब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भूकंप के सीन उन्होंने यहाँ पर क्रिएट कर रखा है, ताकि यार हमें थोड़ा बहुत यहाँ पर डर लगना चाहिए। बट अरे नहीं, मैं सबसे पहले यहाँ से मुझे बाहर निकलना है। क्या मैं सही लोकेशन पर हूँ, आई मीन सही डायरेक्शन पर हूँ? लोकेशन तो यार काफ़ी ज़्यादा गलत है। बट यार एनीवे एक मिनट, मुझे ये देखना पड़ेगा कि अपना लैब बोर्ड जो है वो किस वाले डायरेक्शन में है। सबसे पहले थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। ऑल राइट गाइज, लोकेट देयर, मतलब देख रहे हो भाई कितना ज़्यादा शानदार था, इन्होंने पेड़ पौधे उगा करके रखे हैं भाई साहब। मतलब समंदर की दुनिया यार इतनी प्यारी होती है, वैसे यार प्यारी ना ही बोलो तो काफ़ी ज़्यादा सही होगा, बट यार इन्हें भी प्यारी तो है, मानना पड़ेगा यार। यार गेम बनाने वालों ने यार इस तरीके से इस गेम को डिज़ाइन किया, मतलब क्या बोलो यार, तारीफ जितनी भी करो उतनी कम है। बट यार एनीवे हमें जिस लोकेशन पर आना था उस लोकेशन पर तो फिलहाल हम लोगों ने यहाँ पर विजिट कर लिया। और एक सेकंड, क्या मैं इस जगह पर आया हूँ? हाँ यार वो गड्डी मुझे लास्ट टाइम दिखी थी। और यार यहाँ पर कबाड़ ही पड़े हुए हैं, कुछ भी सही चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई नहीं हैं जो अपने काम में आ जाए।
और हाँ यार एक काम करते हैं, नेक्स्ट वीडियो का टारगेट ये रखते हैं कि हमें अरोड़ा एक्सप्लोर करना है, क्योंकि यार काफ़ी टाइम से मैं सो रहा अरोड़ा एक्सप्लोर करो। बट यार देख रहे हो भाई, मैं पूरी तैयारी के साथ नहीं आया था, बस मैं सोचा था कि यार ऐसे ही एक बार घूम करके नहीं, बस एक बार मैं राउंड मार करके चले आऊँ। तो ठीक है यार, हम लोगों ने अरोड़ा से मिल के तो आ गया, बट यार उसके लिए मुझे फायर एक्सटिंग्विशर भी चाहिए, मतलब काफ़ी कुछ चाहिए उसे बनाने के लिए। और हाँ यार अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, थोड़ी सी हम लोग यहाँ पर और एक्सप्लोर करने वाले हैं। और एक सेकंड भाई साहब, यहाँ पर मुझे कुछ दिखा है, वैसे ये है क्या चीज़? मुझे आई थिंक यार व्हीकल बे लग रहा है, अगर ये फालतू की चीज़ हुई फिर यार मैं इसे यहाँ पर नहीं लेने वाला हूँ। पता था मुझे व्हीकल बे फ्रेगमेंट, छोड़ो यार अगर हमें टाइटेनियम में कमी पड़ी तो फिर यार हम लोग वहाँ से ले लेंगे। लेकिन यार हम लोग जा कहाँ रहे हैं? मुझे तो यार इस जगह के बारे में कुछ पता है नहीं, बस मैं खामे खा के भाई यहाँ पर घूमन निकल गया भाई। और क्या इधर देख रहे हो, अगर मुझे यहाँ पर फूड की कमी होती है फिर यार मैं यहाँ पर आता हूँ। ये लोग भाई हमेशा फिश वगैरह को पकड़ करके रखते हैं, मुझे जितनी मर्जी चाहे उतनी मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, मतलब यार कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। बट यार एनीवे हम लोग अब अपने घर चलते हैं और सारे सारे फिश को हम लोग पका करके खाने वाले हैं, और फिर नगर हम लोग चलते हैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए। और हाँ यार अगर वीडियो लंबा होगा तो मैं एक्सप्लोरिंग वाला पार्ट कट कर दूंगा, बट यार एनीवे अभी तो हमें रेडियो की कुछ ज़रूरत है नहीं। और वेट सेकंड भाई, मैंने काफ़ी सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर पढ़े भी नहीं हैं, मुझे ना गाइस ऑफलाइन बैठ कर किसे भी पढ़ना पड़ेगा, मुझे टोटल स्टोरी यहाँ पर समझनी पड़ेगी। और ये सारी चीज़ें भाई, एक मिनट, ये तो पीडीएफ वगैरह सब के हैं, तो फिर यार इसको भी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, आई मीन सुनेंगे जो भी बात यहाँ पर होने वाली है। तो ठीक है यार ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं ऑफलाइन, बाकी अभी तो यार हम लोग फिलहाल एक्सप्लोर करने वाले हैं। तब तो यार पता चलेगा कि आखिर स्टोरी में चल क्या रहा है, नहीं तो यार अगर हम लोग स्टोरी समझेंगे नहीं तो फिर यार खेलने का यार मज़ा नहीं आएगा। ये जो हमें लास्ट लोकेशन मिली थी, एक बार फिर हम लोग यहीं पर चलते हैं। और मैं नगर उस वक्त थोड़ा हड़बड़ाहट में जल्दी आ गया था, मैं नगर वहाँ पर कोशिश करूँगा कि वहाँ पर कुछ रिसोर्स वगैरह सब ढूँढूँ, अगर वहाँ पर कुछ काम की चीज़ें मुझे मिलती है, जैसे यार कुछ महंगे आइटम मिल जाए तो फिर यार वो सारी चीज़ें हम लोग चुन करके घर लेंगे। ऑल राइट गाइस, लास्ट टाइम हमें यहाँ पर ये मिला था, बट यार इसके अंदर हम लोग इसीलिए नहीं जा पा रहे थे क्योंकि अपने पास दरवाजे को काटने के लिए कुछ था नहीं, मतलब यहाँ पर एक दरवाज़ा हुआ करता वो रहा, तो गाइस उस वाले दरवाजे को काटने के लिए अपने पास कुछ है नहीं फिलहाल तो इसीलिए ना गाइस मैं सो रहा हूँ थोड़ी सी अलग जगह पर घूमूँ फिलहाल तो। अगर अपने पास यहाँ पर लेजर कटर मिल जाती है मुझे तो फिर तो यार अपनी बोट भी ख़राब हो रही है, खैर यार आराम से चलते हैं। तो ठीक है यार मैं क्या बोला था कि अगर मुझे, वेट सेकेंड भाई साहब ये कौन सी जगह है भाई, ये आई थिंक यार मुझे लास्ट टाइम मिली थी या फिर नहीं मिले थे। यहाँ पर मुझे कुछ अलग तरीके के पत्थर मिले हैं और अभी तक मैंने इसे स्कैन भी नहीं किया, तो फटाफट से यार करो ना यार स्कैन, एक मिनट इससे स्कैन होता है भाई। ऑल राइट, जो भी यार हम लोग बाद में पढ़ लेंगे। डायमंड मिल गया भाई साहब, इसका मतलब यहाँ पर और भी डायमंड होने चाहिए। मैंने कहा एक काम करता हूँ, जबकि यहाँ पर कोई ख़तरनाक प्राणी है नहीं तो फिर यार मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पर डायमंड ढूंढने की। वैसे गोल्ड भी मिल रहे हैं, इट्स ओके नहीं मेरी किस्मत है, ठीक है। और हाँ यार मुझे लेजर कटर के लिए डायमंड तो चाहिए थे, फिर तो यार मुझे डायमंड यहाँ पर, और इसके अंदर भाई कॉपर मिलने वाले भाई गंदीले वाले। और वेट सेकंड भाई क्या दिखाओ ना यार, अबे यार नीचे क्यों गिर रहा है? वो रहा मेरे नज़र से यार नहीं बच सकता, कॉपर ही है वैसे। मैंने कहा अब क्या करता हूँ, बड़े बड़े पत्थर को तोड़ता हूँ, इसमें यार काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ें होती है, बाकी सब में यार कबार ही होते हैं। और इसको स्कैन करना, ऑल राइट स्कैन कर लेते हैं भाई, हम लोग आराम से घर जाकर के पढ़ते रहेंगे इन सारी चीज़ों को। और यहाँ पर दो बड़े बड़े लाइम स्टोन, इसे भी उठा लो और इसे भी उठा लो, गोल्ड मिल गया। बट यार डायमंड चाहिए, वो तो यार मुझे मिल नहीं रहे। यहाँ पर एक और बड़ा वाला स्टोन, इसके अंदर से मुझे सिल्वर मिला है। और वेट सेकंड भाई ये क्या चीज़ है भाई, एक मिनट, मतलब मैं इसकी बात नहीं कर रहा था, मैं यहाँ की बात कर रहा था। एक सेकंड यार, यहाँ पर मुझे कुछ तो दिखा है, शायद इसके अंदर कुछ बढ़िया होगा। लेज़र कटर है यार, छोड़ इसे मैं फ़िलहाल स्कैन नहीं कर रहा हूँ। बट यार ये क्या चीज़ है, लिथियम स्पेशल इक्विपमेंट रिक्वायर्ड टू कलेक्ट, मतलब हम लोग इन्हें कलेक्ट कर सकते हैं लिटरली सही में। यार फिर तो यार क्या स्पेशल चीज़ है यार, बताना यार मुझे, यार आप लोग कमेंट में बताना है कि क्या वो स्पेशल चीज़ है जिससे हम लोग इसे कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लीड भी मिल चुका है, वो भी कुछ ज़्यादा ही बल्क में, और इसे भी वो स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए। यार क्या हो सकता है यार, मतलब अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं, मैं किससे कलेक्ट करूँगा इसे, हाथ से तो ले नहीं सकता हूँ, कुछ तो यार औजार वगैरह होगी इसे कलेक्ट करने की। और वेट सेकंड, मुझे अब कहाँ जाना है यार, मैंने जो लोकेशन मार्क की थी आई थिंक यार वो किस वाले डायरेक्शन में, यार वो लोकेशन तो मुझे, हाँ यार सामने ही है। तो ठीक है यार अभी फिलहाल मुझे यहाँ पर एक ही डायमंड मिली है। और वेट सेकंड, लेज़र कटर बनाने के लिए कितने डायमंड की ज़रूरत है? और हाँ अब हम लोग प्रोपल्सन कैनर बना सकते हैं,
इजीली बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेज़र कटर के लिए मुझे 2 डायमंड चाहिए, ठीक है यार। बस यहाँ पर एक और डायमंड मिल जाए, मैं भाई निकल लिया। ऑल राइट गाइस, मुझे यहाँ पर सामने तो कुछ तो यार, तुम लोग क्यों ख़राब कर रहे हो यार मेरे सिप को। हाँ यार, मैं इसकी बात कर रहा था, नज़र यार पहनी रखनी पड़ती है, नहीं तो यार इन सब जगह पर यार ये सारी चीज़ें दिखते भी नहीं हैं। यार लिथियम मिल गया, बक यार। यार कहीं तो ऐसा जगह होगा जहाँ मुझे भड़वर के डायमंड मिल जाए, बट यार इन सब जगहों पे यार मुझे मिल नहीं रहे। एक काम करना पड़ेगा यार, मैंने काफ़ी खोज लिया। सीमोथ में बैठते हैं, हाँ यार वो लोकेशन पर चलनी है, लाइट जला लेते हैं और नज़र बस यहाँ पर मुझे पैनी रखनी है, जहाँ अगर मुझे दिखे बस मुझे ब्लैक स्टोन को टारगेट करना है काफ़ी ज़्यादा इत्मीनान से। हाँ यार ये वाली जगह मैंने अब तक नहीं देखा, एक काम करते हैं यहाँ पर भी देख ले क्या, एक गुफा नीचे जा रही है, इस गुफा का आखिर राज क्या है। वेट सेकंड, राज तो मिल गया, चलो चलो चलो, राज मिल गया भाई साहब। कास्ट डायमंड यार, छी यार, मतलब यार गोल्ड मिलने पे मुझे यार आज तक इतना दुख नहीं हुआ जितना कि मुझे अभी हो रहा है। ऑल राइट गाइस, एक और चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखी है, फटाफट यार इसे ले लो। ऑल राइट गाइस, यहाँ पर मुझे डायमंड मिल गया भाई साहब, मज़े आ गए भाई। मैं भाई निकल लिया, मैं यहाँ पर रुकने वाला हूँ ही नहीं, फटाफट से यार चल करके लेज़र कटर बना लेते हैं। बस मुझे यहाँ पर लेज़र कटर ही तो बनाने हैं। तो ठीक है यार, अगर आप लोग मुझे अगली बारी मिलोगे तो फिर अगली बारी अपने पास यहाँ पर प्रोपल्सन कैनन होने वाली है और साथ ही साथ लेज़र कटर होने वाली है। और फिर ना गाइस, हम लोग सबसे पहले यहाँ पर आएंगे, मतलब रास्ते में एक घर हुआ करता है जिसको खोलने के लिए मुझे लेज़र कटर चाहिए, तो गाइस इधर सबसे पहले हम लोग उन्हें खोलेंगे और उनको खोलने के बाद हम लोग सीधे चलेंगे अरोरा पे और वहाँ पर ना गाइस क्या करना है, तबाही मचा देनी है। तो ठीक है यार, बस आज की वीडियो बस इतना ही रखते हैं। आई होप यू गाइस कि आप लोगों ने इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया होगा, और अगर आप लोगों ने इस वीडियो को इन्जॉय किया तो फटाफट से लाइक कर देना। टेंशन मत लो यार, हम लोग धीरे धीरे करके एक एक चीज़ करेंगे, मतलब यार इतनी महंगी गेम आप लोगों ने डाउनलोड करवाई है यार, एक एक चीज़ का मज़ा लिया करो। ऑल राइट, तो ठीक है यार, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करना है यार कर दो, गर्दा उड़ा दो, अपने दोस्तों से भी करवा लो। तो फिर मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और मजेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।